आज आपको पता है कि जो 26/11/2008 में जो आतंकी हमला हुआ था और आज उसको 12 साल पूरे हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा उसमें गोवा का जो सुपुत्र है श्री रेगो, उसका भी इस दौरान बलिदान दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि उनकी याद और हर बार क्या होता था कि इसी की वजह से यहाँ पे ज़्यादा इतना ये नहीं होता था। और मुझे लगता है कि इसके बाद जो भी हम ये करेंगे, ये ऐसे ही जोरों शोरों से ये श्रद्धांजलि दी जाएगी इनको, इनकी उनके याद में। आज यहाँ पे पणजी के प्रथम नागरिक श्री उदय जी मडकेकर है, उसके साथ आज के जो प्रवक्ता है वो है हमारे मेजर वेणुगोपाल नायर, वो इसके बारे में ज़्यादा बता देंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि पहले हम फूल सुमन से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद बाब मेजर वेणुगोपाल नायर हमें आज आम्ही सगळे जमल्या। आज मुंबईच्या हल्ल्यात 12 वर्षा झाली आणि वो जो भ्याड हल्लो असलो वो पाकिस्तान पुरस्कृत असलो आणि मुंबईचेरूच नी अख्ख्या देशाचेर एक हो हल्लो असलो, देशाच्या सगळ्या नागरिकांचेर हल्लो असलो, हेजेर आम्ही सदांच आम्ही वर्षानुवर्ष आम्ही जो निषेध करूंक जाय। पाकिस्तानांक जो पर्यंत आम्ही पाकिस्तानाचे ही कारवाई आम्ही बंद करणार तो पर्यंत प्रत्येकाच्या एक अंगान, प्रत्येकाच्या भारताच्या सगळ्या नागरिकांत एक त्यांच्या विरुद्ध अशी एक शक्ती असूक जाय, तयार जाऊक जाय की हे पाकिस्तानने खंय तरी थांबूक जाय। दुर्दैवान आमकां एक देशाक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या रुपान एक बरें नेतृत्व, कणखण नेतृत्व मेळ्ळां आणि ज्या ज्या हेजेर प्रत्येक खेपेक जो हमलो जाता आमचेर तेका एक प्रत्युत्तर दिले जाता, इतके जोरदार प्रत्युत्तर दिले जाता। तुम्ही हालीच्या तेपाक पळयला कितकेशेच हेजेर आमचेर हमले जाता आणि त्याच्या त्याचेर रोखडेच तेका प्रत्युत्तर दिले जाता। जवळ जवळ 166 वयर लोक मेले मुंबई हल्ल्यान, जेतून IPSच्या पोतान, इन्स्पेक्टरच्या पोतान, हवालदारच्या पोतान लोकूय पर्यंत जे कोण भायले नागरीक असले त्यांचे मरण झाले। हांवें पळयला तो एक लिओपोर्ड क्लब आसा थंयच हांवें पळयलें, ते आजुनी ते गोळीचे निशान तेंच्यानी दवरला सारके, म्हणजे मार जे आसा गुळ्यो मारिल्ल्यो त्यो त्या ते दवरला तेंच्यानी एक लोकांक यादी खातीर, तेंच्यानी ते रिपेर करूंक ना तशेंच दवरला।
हो जो हल्लो आता है पाकिस्तान खरें एक अद्दल घड़ोपी ये आता गरज आता क्या हत्या कितकेश नुकसान जता जे आईपीएस ऑफिसर जे बरे बरे हजेर आसले मृत्यु गए फैमिली आज बर्बाद जाली आज आप सदांच जो हल्लो जो रे टी वी समोर आसतना अकस्मात ये सुरू जाए आखी रात लोग न्हिदूंक ना दिसभर रातभर पळयत रावले तीन दीस ये चलले आणि असे करून आम्ही तेजेर कब्जो मेळलो परत आणि त्यांना दहा जणांचे पैतून टेररिस्ट आले तेजेर एकटा आमकां जिवंत मेळ्ळो आणि त्याला तुम्ही जाणा मागीर कशी केस चलून त्याका आम्ही फाशी भारत सरकारान त्यांना फाशी दिली हे आम्ही जो हे आसा आम्ही सगळे जाण हे जर आम्ही त्यांना जर हे दितलो उत्तर दितलो आम्ही सगळे पहिली भारताचे सगळे नागरिक पहिली एक जाऊंक जाय हांगा जात धर्म जावं कसलोच तुमी हें करनासतना कोणेंच हें करनासतना आमी एक पयलीं भारतवासी हें पयलीं लक्षांत धरूंक जाय आनी सदांच हो पांच पुरस्कृत जो आसा तांकां आमी सदांच आमी निशेध करूंक जाय आनी तेंच्या अगेन्स्ट आमी सदांच आमी तेंचे आमी 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 सदांच सावधगिरी बाळगूंक जाय परत एकदां आमी आज हांव जोशी बाबा म्हणटा आज प्रोग्राम गेलो सदांच आमी म्हणटाले इफीच्या टायमार हांगा प्रोग्राम आसताले आनी हो आमकां करूंक मेळनासलो गेल्या वर्सा आमी मार्केटान गेल्लो आमच्या पणजे मार्केटान आणि ह्या खेपेक आम्ही हुतात्मा दिन हो त्यांचं आम्ही हांगा सव्वीस अकराचो आम्ही हांगा त्यांना एक श्रद्धांजली अर्पित केल्या सगळ्यांक ही जी दुःखद घटना घडली ही अशी परत आणि घडची न्ही परत आमच्यावर असे संकट येऊचे न्ही अशी आशा बाळगूया श्री आनंद जोशी प्रेसिडेंट ऑल गोवा एयर सर्विस वेलफेयर असोसिएशन रोटरी क्लब के रोटरी क्लब परवरी के प्रेसिडेंट रोटरी क्लब मीरामार के प्रेसिडेंट मेरे साथी एक्स सर्विसमैन लेडीज एंड जेंटलमैन एंड रेस्पेक्टेड पर्सन्स ऑफ द मीडिया एंड प्रेस आई विल नॉट टेल यू रिगार्डिंग दी व्हाट हैपेंड वहां पर क्या हुआ कैसे सबको याद है इवन आफ्टर 12 इयर्स द पिक्चर ऑफ बर्निंग ताज होटल is in front of us. I will tell you something which I got knowledge through some of my colleagues, and my own battalion was located in Kolhapur during this operation. 10 militants, trained militants from Pakistan, entering South Mumbai through sea route and holding the entire Mumbai ransom for 60 hours. Can you imagine such things? You know, happening anywhere in our country. And it took almost 4 days to neutralize these people. And 165 people, including personnel from security forces, gave their life. They were killed. And today we have gathered here to pay our respects and Shraddhanjali to them, and which includes one of our own sons of Goa. These people came around 9 o'clock in the night on 26th. They carried out simultaneous operations in 5 locations. Cafe Le Floyd, VT Station, Taj, Nariman House, as well as in Oberoi Trident. And they created such a panic. आप सोच के देखो एक घंटे वो वीटी स्टेशन पे थे दोनों कसब एंड हिज स्माइल वॉज देयर टैक्सी में आए अपना सामान निकाला टॉयलेट में गए वहां से अपना वेपन निकाला AK-47 एंड दे स्टार्टेड फायर एक घंटा तक फायर किया 58 पीपल डाइड देयर पास में एक पुलिस स्टेशन भी पुलिस स्टेशन बिकॉज दे वर नॉट एक्यूब उन्होंने लाइट बंद करके वो चुपचाप अंदर बैठे ये लोग बाहर गए इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग किया और जाके हॉस्पिटल में घुस गया अब हॉस्पिटल में कैजुअलिटी कम इसलिए हुआ क्योंकि एक नर्स ने दरवाजा बंद करके सारे पेशेंट को कमरे के अंदर बंद कर दिया हॉस्पिटल इन सेविंग सो मेनी लाइव्स द अनाउंसर एट VT स्टेशन द पुलिस इंस्पेक्टर देयर you know, held in minimizing the casualties of all these places. Our police force are trained in law and order, the Mumbai police.
दे कैन नॉट हैंडल सच अ वॉरलाइक सिचुएशन. अब ये वॉरलाइक सिचुएशन ही था. अब यू सी यू नो एक 10 आदमी आते हैं AK-47 और वो पूरा खुद चलते हैं, कितना एमुनेशन उसके पास होगा, कितना ग्रेनेड रख सकता है इन पर्सन. एंड देवर हैविंग इनफ एमुनेशन टू फायर कंटिन्यूसली फॉर यू नो 60 आवर्स. ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब दे मस्ट हैव हैड सम हेल्प इनसाइड ओनली. देयर इज अ सेइंग दैट देयर वाज समबडी अ हैंडलर हु वाज इन मुंबई. सम पीपल आर इवन सेइंग दैट वी हैव सीन दिस पीपल कपल ऑफ डेज बैक इन ताज होटल. नो दीज आर अनवेरीफाइड, दिस इज नॉट वेरीफाइड. पुलिस के पास क्या था? रिवॉल्वर, पिस्टल, 303 राइफल्स. कॉमन पुलिस आई एम टॉकिंग अबाउट वो आर हैंडलिंग लॉ एंड ऑर्डर. मे बी ATS के पास दे मस्ट बी हैविंग SLRs, 7.62 SLR जो आर्म फोर्सेस ने फेज आउट कर दी. कार्बाइन्स होगा. दे आर नॉट हैविंग यू नो हैवी फायरिंग वेपन्स, लेटेस्ट वेपन्स वेयर रेट ऑफ फायर इज यू नो इज मोर देन 100 राउंड्स पर मिनट. दीज पीपल वर कैरिंग दैट. अब इनके सामने तो कुछ नहीं कर पाए. सेकेंड, दो ब्लास्ट किए नॉट उसी टाइम पर. एक विले पार्ले में किया, एक मजागांव डॉक के पास किया. टैक्सी उड़ाया. अब टैक्सी में ड्राइवर भी था, पैसेंजर भी था. अभी सोचने की बात है, इन्होंने टाइमर बम कहाँ से लगाया? जब वो उड़ा तो वॉट यू नो दी देर वॉज अ रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट विद लेटर केम आउट. वो क्या बोलते हैं कि दिस वॉज क्रिएटेड टू हैव मोर कन्फ्यूजन. मोर देन 1,000-2,000 कॉल स्टार्टेड कमिंग टू द पुलिस कंट्रोल. दे वर नॉट एबल टू हैंडल इट. They started the using their, you know, mobile phones. And 18 police officers, you know, even people or additional commissioners level, you know, are people, they apne jaan de rahe hote. Unhone koshish ki situation ko, you know, sambhalne ke liye. You know, we are talking about, you know, people, you know, who sacrificed their life. Odumble. There's a person called Odumble. He is ex-army. Usne jo hai, wo AK-47 rifle pakad liya. They kept on firing. उसके पेट के अंदर पूरा एक बस चला. He died, but he made sure that this guy was apprehended. Same way, one more policeman who feigned, you know, that he is died. The same college in which, you know, Karkare, Kamte, and Salaskar were traveling. उसके अंदर he feigned death, and he kept lying there, and he passed a message that these people are escaping in this, you know, college, and they taken a squad from there. Which helped in apprehending this kasa. Iske alawa, by the time NSG came, NSG ko time laga, you know, what is told that, right? Anek hanga ulek karan dista maka amche punji che P.I. Shilesh Bhak, je jisrat kaam karta punji chiti ka dik, janchani osho kaam te buror kaam kelna sa, ose maka atat kaya, janna janta ek ulek karan dista, ek Shilesh Bhak pidana pmi, kenna hai tenga kasle kaam sanga, call kara, baba ishe shikire dalate dhavun yata, म्हणजे पोलिसांची एक जी हे असा की पोलिसांची खरेच त्या दिसा परिस्थिती कशी असली तुम्ही पळू शकता. इतके पोलिसांनी आपले बलिदान दिले, एक पोलिसांचे कर्तव्य कसे असले आणि पोलिसांनी आपल्या जोखीम घेऊन कितके जणांनी आपल्या जे गुळी घेऊन त्या कसं हे केले. म्हाका उल्लेख करून दिसता सुरेश बाबा त्याच खातीर की तो अशे कामते वर त्यांनी काम केले असा हे तुमकां म्हाका सांगपाक हे असले. Thank you.
साथ साथ मंडी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री सुदेश नाइक भी आज यहाँ पे है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई पुलिस पर्सन यहाँ पे यूनिफॉर्म में है बेसिकली, क्योंकि हमने तो अपना यूनिफॉर्म उतार कर रखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद भी हम आपको हमेशा बिना किसी मतलब नज़रअंदाज कर आपको हम बुलाएंगे। इसके बाद उसके साथ साथ रोटरी क्लब और एक्स डिप्टी एडिटर डॉक्टर गुप्ता जी और सबनी जी, बाकी जयंट क्लब, रोटरी क्लब मीरामार, रोटरी क्लब परवरी और